हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ किचन बाय दीपाली। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी हैदराबाद के कराची बिस्किट्स। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं अंदर से और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं हैदराबाद के फेमस कराची बिस्किट। लेट्स स्टार्ट। कराची बिस्किट बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो हम देख लेते हैं। ये मैंने लिया है 1.5 कप ऑल पर्पज फ्लावर है मैदा, 1 कप पाउडर शुगर ली है, 1/2 कप हमने लिया है कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर में, 1/2 कप हमने लिया है देसी घी, आप इसकी जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1/4 कप मैंने लिया है टूटी फ्रूटी, 1 टीस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर, साथ में 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है, आप इसकी जगह रोज एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून हमने लिया है कैशोनट के, हमने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं, और 1/4 कप ही हमने वार्म मिल्क लिया है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं हैदराबाद के फेमस कराची बिस्किट। सबसे पहले हम ले लेंगे 1/2 कप देसी घी या बटर, इसमें हम डाल देंगे 1 कप पाउडर शुगर और हम इसे अच्छी तरह विस्क कर लेंगे जब तक कि इसका एक क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैटर कितना फ्लफी हो गया है, हमें इसी तरीके का बैटर चाहिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप इसमें डाल रहे हैं मैदा, इसे मैंने अच्छी तरह छान लिया है, साथ में ही हम डालेंगे 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर, इसको भी मैंने छान के यूज करा है, और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन तीनों चीजों को हम आपस में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे बटर और शुगर के साथ। देखिए आपस में अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे काजू, 1 टेबलस्पून हमने लिए हैं, साथ में 1/4 कप टूटी फ्रूटी, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर की ले सकते हैं, साथ में 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और हम इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। तीन से चार चम्मच हम इसके अंदर दूध डाल लेंगे। और जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही एक कुकीज का हम डो तैयार कर लेंगे। और देखिए अब हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसकी एक शेप दे देंगे सिलेंड्रिकल, और आप क्लिंग रैप ले सकते हैं, मैं फॉइल पेपर ले रही हूं, और हम इसे हम इसको इस तरह से फोल्ड करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख देंगे। दूसरे वाले को भी हम फॉइल पेपर में फोल्ड करके इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे 1 आवर के लिए। 1 घंटे बाद हमने कुकीज डो को बाहर निकाल लिया है और अब हम इनकी कुकीज कट करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम ना हो तो आप इसको 1/2 घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। आप देखिए ये अच्छी तरह टाइट हो गया है, इससे क्या होगा हमारी कुकीज बहुत अच्छी कट होंगी। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी हमारी कुकीज बनके तैयार हुई हैं। सेम साइज के हम पीसेस कट कर लेंगे सारे इस तरह से। हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। इस तरह से मैं एक बेकिंग ट्रे ले लूंगी और उसमें हम बटर या घी अप्लाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसको ओवन में बनाऊंगी 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए।
आप इसे कढ़ाई में भी कुक कर सकते हो। कढ़ाई में बस 20 की जगह 30 मिनट्स लगेगा और आप 10 मिनट्स के लिए कढ़ाई को भी ढककर लिड से गर्म होने रख दीजिए। तो हम इसे दोनों तरह से बना सकते हैं, आप कढ़ाई में भी बना सकते हो इसे और इसे आप अवन में भी बना सकते हो। तो अब हम इसे बेक होने रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारी कुकीज बेक हो गई हैं और 20 मिनट्स लगे हैं इसे बनने में। अभी ये बहुत गर्म है क्योंकि जब ये गर्म होती है तो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, तो अभी ये जब ठंडी हो जाएंगी तो हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। फ्रेंड्स, हमारी कुकीज बिल्कुल ठंडी हो गई हैं और ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप देखिए, दोनों तरफ से बहुत अच्छी सिकी हैं। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, हैदराबाद के कराची बिस्किट्स। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने और भी बनाकर रखे हैं। इसको मैंने इस तरह से एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दिए हैं। ये काफ़ी दिनों तक तो ख़राब नहीं होते हैं। अगर आपको हैदराबाद के कराची बिस्किट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर की ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।